फटर फटर लगा कान सोवा ना देना दिन रात भर चोर सोप चोर कोई हो भाई यहाँ जोड़ खड़े हो हाँ अंदर तो हैं मिलना चाहते हो आइए हम मिलाते यही पर खड़े हो हम बोला है ना उतरा नहीं चुका कहे भागे जात ना मारा बोरा बही रहो चौकीदार क्या बात है बुढ़ा सा आदमी आया है क्या बुढ़ा सा आदमी बुढ़ा हाँ जाओ उन्हें प्रेम पूर्वक बुला कर लाओ जी सर अभी, अभी। ओ बाबा जी उठ के बैठो इधर चलो अंदर आओ बहुजी आप और यहां पहचानो नहीं मैं आपका बेटा फूल बहुजी लेकिन अचानक और यहां बेटा कहिए बहुजी बहुत जरूरी काम सब ठीक तो है बहन सुमन कैसी है और मुन्ना हाँ हाँ ठीक है बेटा एक माला नाम की लड़की महाराज की बेटी है क्या कहा बाबूजी वो तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन कहाँ है गेट गेट पे है गेट पर है हाँ। चिंता मत करो हम उनसे मुलाकात कर लेंगे मैं बुला चौकीदार अरे मैं जाता हूँ आप चिंता मत करें बाबूजी आप यहाँ बैठिए जाओ देखो गेट के पास कोई माला नाम की लड़की खड़ी है उसे बुला कर लाओ लड़की जल्दी जाओ अभी जाओ नमस्ते नमस्ते हमारे बाबा अंदर गए हैं तुम्हारा बाबा है तुम हो जाइ हो कान अब कहे तुम बाहर खड़े तुम हो चली जाओ भीतर हाँ माँ कौन हो तो गुस्सा करेगा माला माला अरे तुम रो रही हो तुम रो रही हो बात क्या है साफ साफ बताओ मुझे आखिर क्यों रो रही हो मेरी मंत्री चाचा मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को बहुत मेरे ही से मार रहे थे जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाह मेरी इज्जत निकलना चाह ओह माय गॉड मेरे बाबूजी मुझे वहां से भगा दिए इस बाजी को चुन कि मेरे बाबूजी को छुड़ाया जीवित छुड़ाया नहीं इस बाजी का जुर्म तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है खैर वाला तुम मेरे पास आ गई हो चिंता मत करो देखो सब ठीक हो जाएगा तुम बेफिक्र रहो तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा हाँ और तुम्हें भी कुछ नहीं चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबूजी वो
मैं आज ही पोस्ट ऑफिस जाना चाहता था लेकिन आ ही गए। ये मेरी पहली कमाई है बाबूजी, पहले महीने की तनख्वाह आपके आशीर्वाद का फल बाबूजी। इसे रखो बाबूजी। और हाँ, अब बहन सुमन को किसी के यहाँ चूल्हा चौका करने की कोई जरूरत नहीं है और अब उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना। और हाँ, मुन्ना अमन का भी नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवाना। मैंने सोचा है मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मेरा मुन्ना एक डॉक्टर बने और हम दोनों भाई मिलकर देश की सेवा करें। और बहन सुमन की शादी तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। और हाँ, ये जो पुराने कपड़े हैं ना, इन्हें बदल देना, नए कपड़े ले लेना बाजार में, बहन सुमन के लिए भी और मुन्ना के लिए भी। और हाँ बाबूजी, एक बात का विशेष ध्यान रहे, माला यहाँ मेरे पास रहेगी और किसी को ये कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि माला मेरे पास है। बाबूजी ठीक है सर। चौकीदार, चौकीदार, इन्हें इन्हें तत्काल बस स्टॉप तक छोड़ कर आओ। नहीं सर। अपना ख्याल रखना बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या बाबूजी, आपने तो सारे के सारे पैसे गिरा दिए। ये तो अच्छा हुआ यहीं पर गिरे। ये लो बाबूजी, इसे बहुत ही सुरक्षित संभाल कर रखो बाबूजी। ठीक है बाबूजी। अपने चौकीदार, मैंने कहा इनको बस स्टॉप तक छोड़ कर आए। इना जाई है का? नहीं, मो भौजी है, भाभी बोला करो। मैं पढ़े लिखे तो है नहीं है। चौकीदार, अब जाए बाबू छोड़ जाइए तो आई। अच्छा, तुम जल्दी आना। ठीक है माला जी। देखो देखो, मैं आज अभी इसी वक्त आपके साथ राजमहल चलता, लेकिन मैं मजबूर हूँ या जिस मकसद से आया हूँ, जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, वहां से भी बड़ी तबाही यहाँ पर मची हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाकू जलजीरा सिंह का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करते ही मैं तत्काल तुम्हारे साथ राजमहल चलूंगा। क्या? तब तक के लिए तुम्हें मेरे पास रहना होगा। अच्छा ठीक है, आओ चलो चलो। आज हमें चलना है नदी की तरफ। क्यों नहीं सरदार जी, चलो यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है सरदार जी, चलो। क्योंकि
हमें ये पता लगा कि यहाँ पुलिस कभी भी आ सकती है, हमें स्थान छोड़ देना चाहिए। हाँ सरदार जी, क्योंकि पुलिस को हमारे अड्डे को खबर हो चुकी है और हम ये गुफा छोड़कर किसी और ओर चलते हैं। ठीक है, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। तेरा नाम लिखाना। हाँ ठीक है पिताजी। आ चल चल स्कूल चलो। गुलाब कहाँ जा रहा है? मालिक बच्चे का नाम लिखाने। नाम लिखाने जा रहा है, इसे पढ़ाएगा, सीओ बनाएगा, एसपी बनाएगा। नहीं मालिक। खैर कोई बात नहीं गुलाब, मैं जितना तुझसे पूछूं मुझसे साफ साफ बताना। बोलो मालिक। ये बता कि कोई माला नाम की लड़की तेरे घर आई थी या नहीं? माला? हाँ नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं आई जी। गुलाब झूठ बोलने की मुझसे कोशिश मत करना, क्योंकि जनता तेरे सामने कौन खड़ा है। मेरा नाम प्यार से तो मुझे लोग तूफान सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से मैं काला नाग हूं, और जब सीधे उंगली घेने निकलता उंगली टेढ़ी कर दो तो निकल जाती है। मैं मुर्दों से कबूल करवा लेता हूं, फिलहाल तू जिंदा खड़ा है, सच सच बताना जो मैं तुझसे पूछूं, तेरा बेटा फूल कहां है? मालिक अरे झूठ बोलो नहीं सच। मालिक तुझे कुछ भी नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम। अब मैंने तुझे क्या कहा था कि मैं मुर्दों से कबूल करवा लेता हूँ, फिलहाल तू जिंदा खड़ा है, झूठ बोलने की कोशिश मत कर तू गुलाब, सच सच बता दे। मैं सही बताओ तो मालिक, पता नहीं कहाँ गया है। उसने कहा है कि पिताजी मैं थोड़ा ननियाल जाना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है बेटा जा। गुलाब वो ननिहाल गया है या और कहीं गया है, तू अपनी जुबान से कबूल करेगा भी सब कुछ। तुम बता दे कहां पर तेरा नाम, तेरा बेटा फूल कहां है, सच सच बता दे। तुम बता दे कहां पर तेरा नाम, वरना हंटर से खींच।
पाप लाग जाए। उसे ना मारूं तो तुझे मारूं। तुझे मारूं मौका ना मार राज भट्ट को। बताओ अगर अपने कबूतर बेटे की जिंदगी चाहता है तो सच सच बता डाल कहां तेरे बेटा। अगर तू नहीं बताया बेटे का पता तो मैं तेरे बेटे की जिंदगी छीन लूंगा। बोल। नहीं मालूम है। पकड़ इस कुत्ते को। हाँ बाहर कर से। बता मैं तुझे सिर्फ दो बातों का चांस देता हूं, अगर इसकी जिंदगी बचाना चाहता तो बचा ले। गुलाब साला या भगवान नहीं बता ये आवाज कहां से आ रही है। चलते हो आगे चल के देखा सला बता नहीं रहा है ये बुड़बक्के ही का सला हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ ये तो होएगा। देखा अब ये बताएगा सारी सच्चाई सामने लाएगा। हराम दादी तूने मेरे मुल्ला को मार दिया और अब से मैं तेरा काम नहीं जाऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़। Thank you.
तेरी जिस्म में बहुत गर्मी भरी है ना, तेरे जिस्म में बहुत गर्मी भरी है ना, मैं तेरे जिस्म की गर्मी करना बहुत अच्छी, शांत करना बहुत अच्छी सर से जानता हूँ। हराम दादी देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ, वाह मेरी किस्मत कितनी तेज है। मेरी बेटी को छोड़ दो, गुलाब तू सोचता होगा कि तेरी बेटी भाग गई। मेरा नाम तूफान सिंह है, तूफान से तेज जो नहीं भाग सकती है। बता तेरा बेटा कहाँ है? नहीं बताएगा, नहीं मालूम, नहीं मालूम है नहीं। तो जा, तेरा यह छोकरा भूखा होगा, तड़पता होगा, रास्ते में तेरा इंतजार करता होगा। जा उसी के पास जा, तेरा बेटा वो फूल किसी भी कोने में छुपा होगा, उसे उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। गुलाब तेरा आखिरी वक्त पूरा हुआ, तेरे जीने का अधिकार मैं तुझसे छीनता हूँ। जा चला उतरा नवरात दू तो चढ़ोगे। ए दरबारी बोल इन दोनों को, जा किसी नाले में फेंक दे, चील कौवे नोच नोच खाएंगे, संसार में मेरी जय जयकार होगी। ले जा ले जा। अरे मेरी जान छमिया, हमारा नाम तूफान सिंह है, हमने पहले बताया था कि भाग कर जाएगी तो जाएगी कहाँ तू? अरे सरकार कहाँ भूल सबसे ज्यादा भाग है सियार, तूफान से भी ज्यादा सियार। साले मूर्ख कहीं का, ये राइफल को पकड़, इधर आओ मेरी जान आओ। अरे मेरे करीब आओ, नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगी मेरा? नाम जानकर क्या करूंगा? अरे बता दो कि नाम क्या है तुम्हारा? अरे बेटी बता दे रहा, वो हराम आदमी है। क्या दरबारी, इसने तो वैसा मारती तेरी टोपी गिर जाती है, टोपी से पसंद है लगता है। अच्छा बता दे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन, वाह बहुत खूबसूरत नाम है सुमन। तो सुमन मेरी जान, मैं जो तुमसे कहूँ, अगर अपनी जिंदगी को सलामत रखना चाहती हो, अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती हो, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। क्यों कहना? मेरा कहना ये है सुमन, तो शादी कर लो मेरी जान सुमन, और शादी कर लो मेरे मनो जीवन भर।
रखूंगा मेरी जान। है मेरी जान, देखने वालों चप्पल ये कह रही कि मुंह पे चप्पल खींच कर मारूंगी, तेरी नियत नहीं ठीक है। आखिर मेरी नियत में क्या गड़बड़ी है? बोलो बहु खराब है। अबे बेवकूफ, इसकी बेवकूफी मुझे एक शेर याद आ गया। अरे कहते हैं दूध में चावल पड़े तो उसे खीर कहते हैं, दूध में चावल पड़े तो उसे खीर कहते हैं, और मोहब्बत में अगर जूतियां पड़े तो उसे तकदीर कहते हैं। वही हिसाब है, गधा का चाहे जत्ता मारो उतना होता है। ओके राम सुमन, और मुझे तेरे वचनों का है जाम।